एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत जो कि काफी गरीब थी, उसका परिवार में कोई नहीं था। वह हमेशा कार्तिक का व्रत रखा करती थी और भगवान कृष्ण को माना करती थी। भगवान कृष्ण उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। जब भी वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी तो भगवान कृष्ण चुपचाप एक खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे ताकि वह औरत अपना व्रत उस खिचड़ी को खाकर खोल सके। लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उससे बहुत जला करती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि इसके परिवार में तो कोई नहीं है, ये तो अकेली रहती है और ना ही इसके पास इतना पैसा है, तो फिर कौन इसके लिए इतनी अच्छी खिचड़ी रख जाता है। इस कारण वह औरत ठान लेती है कि अगली बार मैं ये पता लगाकर ही रहूंगी कि कौन इस बूढ़ी औरत के लिए खिचड़ी रख कर जाता है। अगली बार जब वो बूढ़ी औरत दोबारा कार्तिक का व्रत रखती है तो वह सुबह उठकर जब गंगा स्नान करने के लिए जाती है, उसके पीछे से उसकी पड़ोसन उसके बरामदे में जाकर छिप जाती है ताकि वह पता लगा सके वह व्यक्ति कौन है जो उस बूढ़ी औरत के लिए हर बार खिचड़ी रख कर जाता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ऐसी लीला रचते हैं कि वह वहाँ पर खिचड़ी भी रख जाते हैं और उस औरत को पता भी नहीं चलता। अचानक खिचड़ी के कटोरे को देखकर वह पड़ोसन आश्चर्यचकित रह जाती है और गुस्से में लाल हो जाती है और जलन के मारे उस खिचड़ी के कटोरे को उठा लेती है, फिर बूढ़ी औरत के मकान के पीछे जाकर उसे फेंक देती है ताकि जब वह बूढ़ी औरत घर वापस आए तो खिचड़ी का कटोरा उसे ना मिल पाए, जिसकी वजह से वह भूखी रह जाए और ना ही अपना व्रत खोल पाए। जब वह बूढ़ी औरत घर वापस आती है तो वह खिचड़ी का कटोरा ना पाकर भूखी रह जाती है और बार बार भगवान से माफ़ी मांगती है, पता नहीं मेरे से कोई भूल हुई होगी, तभी इस वजह से भगवान ने इस बार मुझे खिचड़ी नहीं दी। इसके बाद से वह बूढ़ी औरत रात दिन भगवान से प्रार्थना करती है, अपनी भूल के लिए क्षमा मांगती है, लेकिन फिर भी कार्तिक का व्रत हमेशा रखती रहती है, इस प्रकार अपने दिन काटती है। कुछ समय बाद जहाँ पर उस पड़ोसन ने खिचड़ी को फेंका था वहाँ पर दो अद्भुत फूल खिलते हैं। उन दोनों फूलों ने सूर्य की तरह चमकती और उनकी खुशबू भी दूर दूर तक फैलती थी। एक दिन उस नगर के राजा शिकार खेलने के लिए गए। वापसी पे जब वो आ ही रहे थे तो बूढ़ी औरत के घर के बाहर उन दोनों फूलों को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। उन दोनों फूलों की सुंदरता को देखकर और उनकी महक से मोहित होकर उन्होंने सोचा, ये दोनों फूलों को मेरी रानी के पास होना चाहिए। ये सोचकर राजा उन दोनों फूलों को तोड़ लेते हैं और अपनी रानी को जाकर पकड़ा देते हैं। रानी उन दोनों फूलों को देखकर मोहित हो जाती है और उनकी खुशबू को सूंघने लगती है। इसके बाद रानी को गर्भ ठहर जाता है। राजा रानी को इससे पहले कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार की खुशी को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और समय पर राजा को दो लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही लड़के बड़े होने पर भी किसी से बात नहीं करते, जिस कारण राजा रानी बड़े दुखी रहते हैं। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे दोनों लड़के ठीक ठाक हैं, लेकिन वह किसी से बात क्यों नहीं करते। एक बार राजा के वो दोनों लड़के अपने नगर को देखने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वह बूढ़ी औरत के घर से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें वह बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह दोनों लड़के अपने घोड़े से उतरकर बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, क्या माँ तूने हमें पहचाना क्या? जवाब में वो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, आप राजा के बेटे हैं, हमारे नगर के राजकुमार हैं। ये बात सुनकर वो दोनों राजकुमार कहते हैं, नहीं माँ हम तो तेरे बेटे हैं। ये सुनकर वे बूढ़ी औरत उन दोनों लड़कों से कहती है, मैं तो एक गरीब औरत हूँ, आप मेरे नगर के राजकुमार हैं,
आपका और मेरा क्या मेल है। दूसरी तरफ राजा को भी सेनापति जाकर ये जानकारी देता है कि हमारे दोनों राजकुमार जो अब तक किसी से बात नहीं कर रहे थे, वह एक बूढ़ी औरत से बात कर रहे हैं और उसे अपनी माँ कह रहे हैं। जब इस बात की जानकारी राजा को मिलती है तो वे तुरंत उस औरत को अपने दरबार में बुला लेता है। राजा अपने राज दरबार में अपने दोनों पुत्रों और बूढ़ी औरत को आमने सामने कर देता है और पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। साथ ही राजा उस बूढ़ी औरत से ये भी पूछता है कि मेरे दोनों पुत्र आज तक तो किसी से भी बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी नहीं, फिर तुमसे ही उन्होंने क्यों बात की। बूढ़ी औरत अपने जवाब में राजा से कहती है, मुझे नहीं मालूम, आप राजकुमारों से ही पूछ लीजिए। तब राजा यही बात अपने दोनों पुत्रों से पूछता है तो दोनों पुत्र अपने जवाब में राजा से कहते हैं कि हे राजा, माना कि तू हमारा पिता है लेकिन असल में ये हमारी माँ है। ये बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है और अपने पुत्रों से इसका कारण भी पूछता है तो जवाब में वो दोनों राजकुमार राजा से कहते हैं, असल में हम दोनों इस औरत के पुण्य का फल हैं। ये औरत हमेशा कार्तिक का व्रत रखा करती थी और भगवान श्री कृष्ण इसके लिए खिचड़ी का कटोरा रखकर जाते थे। एक दिन इसकी पड़ोसन ने इसके पीछे से वह खिचड़ी का कटोरा चोरी कर फेंक दिया था। जहाँ पर उस पड़ोसन ने उस खिचड़ी को गिराया था वहाँ पर दो फूल खिल गए थे जिसे आपने अपनी रानी को लाकर दिया था और पुण्य के प्रभाव से दो पुत्र आपको मिले थे जो कि हम हैं। असल में हम इस औरत के पुण्य हैं जो श्री कृष्ण भगवान ने खिचड़ी के रूप में इस औरत को दिया था, तो इस प्रकार ये हमारी असली माँ है। ये सब सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं और श्रद्धा के साथ उस बूढ़ी औरत के आगे नमन करते हैं और कहते हैं कि तू धन्य है कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान तुझे मिलते हैं और तेरा ख्याल रखते हैं। राजा साथ में ये भी कहते हैं कि ये बच्चे तेरे हैं और तेरे पुण्य का फल है, इस प्रकार तू भी आज से इसी महल में रहेगी।